तो दोस्तों आज वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 का जो 10 नंबर दिन था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज दो मैच हुआ, तो इन दोनों के मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है तो उसमें किसको अवार्ड मिलता है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला मैच हुआ तमिल तलाइबा से पटना पायरेट्स, इस मैच को पटना पायरेट्स ने एक पॉइंट से जीत गया। तो इस मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने हिमांशु सिंह, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट लिया, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। उन्होंने आज 10 रेड में 11 रेड पॉइंट के 110 के स्ट्राइक रेट से। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने नरेंद्र कंडोला, जिनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। इस मैच में सबसे ज़्यादा ड्रीम इलेवन में फैंटेसी पॉइंट लिया 58, उन्होंने इस मैच में 9 रेड पॉइंट लिया। स्पोर्ट्स सी मोमेंट ऑफ द मैच मिला हिमांशु सिंह को, जिन्होंने दो बार अपना ऑल आउट बचाया अपनी टीम का, जिसकी वजह से उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। उन्होंने एक डुबकी भी लगाया प्रदीप नरवाल की तरह सुपर रेड में। दूसरा मैच दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर के बीच हुआ, तो इस मैच को दबंग दिल्ली ने आखिर के रेड में 2 पॉइंट से जीत लिया। तो इस मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने नवीन कुमार, जिनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। नवीन कुमार ने इस मैच में 22 रेड किया और 15 रेड पॉइंट लिया 68 के स्ट्राइक रेट से। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने नवीन कुमार, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा ड्रीम इलेवन में फैंटेसी पॉइंट लिया, उनको 25,000 रुपये प्राइज मनी के थ्रू दिया गया। इस मैच में नवीन कुमार ने 88 फैंटेसी पॉइंट कमाए। जेके सुपर सीमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द मैच मिला नवीन कुमार को, जिन्होंने आखिर के रेड में 2 पॉइंट ले आए, उसके बाद दबंग दिल्ली इस मैच को जीते, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।